तो जैसे ये रहता है कि 9 से 10 डेज लग जाते हैं, ठीक है, तो ये शेड्यूल शिपिंग लाइन की जी शेड्यूलिंग पे डिपेंड करता है, ठीक है। शिपिंग लाइन का जो शेड्यूलिंग कब हो रही है ये हमें देखना है। फॉर एग्जाम्पल शेड्यूल शिपिंग लाइन का मतलब पूरी फुल हो गई है, उसमें जगह नहीं है, तो फिर आपका अगली बार में जाएगा। आप जो बात कर रहे हो गेट इन की, तो वो गेट इन जो होता है 72 आवर्स पहले हमें जाना पड़ता है यार्ड में, शिपिंग लाइन के यार्ड में, सो देट कि उस शिपिंग लाइन पे, उस मतलब शिप पे हमारा जो कंटेनर बोर्ड हो पाए। ठीक है सर, थैंक यू। वेलकम। और कोई क्वेश्चन है? सर बाकी आप चालू करिए, धीरे धीरे आगे। मैं ओके नोट डाउन नहीं कर रहा हूँ, जो जो मेरे डाउट है मैं आपको पूछता रहूंगा। ओके ओके, गुड गुड। तो हाँ, तो मैं बता रहा था कि ये जब हम ऐसे एक्सपोर्ट एग्जीक्यूटिव बात करें तो होता क्या, जैसे ही हमारे पास ऑर्डर आता है, ओके मैं थोड़ी स्क्रीन शेयर करता हूँ। स्क्रीन शेयर, ओके। हाँ, पेंडिंग। स्क्रीन स्क्रीन विजिबल हो रही है? पेंडिंग ओके, तो होता क्या है, जैसे ही फॉर एग्जांपल हमारे पास ऑर्डर आया, तो फर्स्ट हमें क्या करना पड़ता है, एज ए मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हमें अपनी प्रोडक्शन टीम को बताना होता है ऑर्डर्स का। तो प्रोडक्शन टीम करेगी क्या, उस गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग करेगी जो हमारे बायर ने डिमांड की है, राइट। तो उसके लिए हमें कोऑर्डिनेशन विद द प्रोडक्ट प्रोडक्शन टीम, ओके। इसके लिए जैसे ही हमारे पास ऑर्डर आता है, तो हमारा फर्स्ट स्टेप रहता है कि हम हमारी प्रोडक्शन टीम को इन्फॉर्म करें कि ये गुड्स का हमें ऑर्डर आया है, ठीक है। सेकेंड होगा आपका, उसके साथ साथ जैसे ही आपका गुड्स रेडी हो जाता है, तो गुड्स जैसे ही रेडी होगा आपको अपनी पैकिंग टीम को मेल करना है, ठीक है। तो पैकिंग टीम में क्या होगा, जैसे ही आपके जो ऑर्डर आया था उसके पैकिंग टीम को ईमेल करेंगे कि भाई हमारे ये गुड्स रेडी हो गए, आप प्रिपेयर जी। करो, उनको पैक करो, ठीक है, ये हमें ऑर्डर करना है। तो जो डेट होगी हमारी, उस डेट के अकॉर्डिंग हमें डिस्पैच प्लानिंग करनी है। तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा आपका, कि डिस्पैच प्लानिंग क्या है उसकी, ठीक है। इसके बाद की बात करें तो तीसरा स्टेप होगा आपका सीएचए से फॉलोअप लेने वाली है। तो डीएस डिस्पैच प्लानिंग का आ गया। तो डिस्पैच प्लानिंग में हमें करना क्या है, जो पैकिंग की है उसके अकॉर्डिंग हमें, पैकिंग के अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, कमर्शियल इन्वेस्टर पैकिंग लिस्ट प्रिपेयर करनी है। तो पैकिंग लिस्ट में क्या क्या चीजें बनानी है हमें, कि गुड्स की डायमेंशन क्या है, ठीक है, उसका ग्रोस वेट क्या है, उसका नेट वेट क्या है। देर इज अ डिफरेंस बिटवीन द ग्रेस वेट एंड नेट वेट। तो आपको होगा आइडियाज का, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि नेट वेट जो होता है वो एक्चुअल वेट ऑफ द गुड्स होता है, कि आपके गुड्स का एक्चुअल वेट क्या है, और ग्रोस वेट होता है वो आफ्टर पैकिंग। तो इसमें थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है। और एयर की शिपमेंट की बात करें, तो इसमें थोड़ा ज्यादा ही डिफरेंस आ जाता है, कि उसमें क्या होता है कि वॉल्यूम वेट देखा जाता है, वॉल्यूम वेट। तो उसमें जो एक्चुअल वेट होता है वो उससे वॉल्यूमेट्रिक वेट बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि जो इसकी एयर की बात करें, तो जो आपका गुड्स है उसको वॉल्यूम के बेस पर कंसिडर किया जाता है। तो यहाँ पे बात चल रही थी, जैसे ही हम अपनी पैकिंग लिस्ट प्रिपेयर कर देते हैं और हम अपने सीएचए को इन्फॉर्म कर देते हैं कि ये गुड्स रेडी हैं, आप कंटेनर भेजो, ठीक है। तो कंटेनर हमारे पास आ जाता है। इसके बाद जैसे ही कंटेनर हमारे पास आ जाता है, हम कंटेनर को फिजिकल चेक करते हैं कि ये परफेक्टली ओके है कि नहीं है, क्योंकि हम इंटरनेशनल लेवल पे अपने गुड्स को एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो अगर कंटेनर थोड़ा सा भी डैमेज होगा, तो उसमें बाई सी जाएगा, तो उसमें मॉइस्चर जाने की प्रॉब्लम के कारण हमारे गुड्स के ना खराब हो सकते हैं। तो हमें फिजिकली कंटेनर्स को चेक करना है प्रॉपरली। नेक्स्ट स्टेप होगी कि आपका एज पर ऑर्डर कंटेनर की स्टफिंग की जाए। तो इस केस में क्या होगा, जो ऑर्डर में आया था उस बुकिंग के अकॉर्डिंग हमें वही मटेरियल कंटेनर में स्टफ करवाना है अपनी पैकिंग टीम से, जो ऑर्डर हुआ है। अदरवाइज अगर गलत मटेरियल में स्टफ कर दिया, तो वो जो कंटेनर बुकिंग के अकॉर्डिंग वो किसी और कंट्री में चला जाएगा, ठीक है। तो इस चीज का भी हमें ध्यान रखना है। फाइनली जब हमारे डॉक्यूमेंटेशन प्रिपेयर हो जाते हैं, सेट ऑफ डॉक्यूमेंट
जो कमर्शियल इनवॉइस और जो बिलिंग हो जाती है एसएपी में, तो उसके बाद हम सेटअप डॉक्यूमेंट ड्राइवर को हैंड ओवर कर देते हैं और कंटेनर को कर देते हैं सील। यहाँ पे बात आती है कि हमारे पास सेल्फ सीलिंग की परमिशन है, डेट उस केस में हम ये करते हैं। ठीक है, तो जो इनवॉइस कमर्शियल इनवॉइस पैकिंग लिस्ट, इन सारे सेट को हम भेज देंगे शिपमेंट के साथ, जो शिपमेंट आप हमारी जाएगी आईसीडी में। ओके, उसके बाद इसकी कस्टम क्लियरेंस एग्जामिनेशन होगी और वही प्रोसीजर आ जाएगा जो मैंने आपको बताया था। तो फाइनली जब आपकी शिपमेंट शिप पे लग जाएगी, तो उसके बाद का जो प्रोसीजर होगा पोस्ट डॉक्यूमेंट का प्रोसीजर होगा। ठीक है, तो आज के सेशन में हम इतना ही रखते हैं, कल फिर से यही सेशन इसी टाइम पे करेंगे, तो और भी टॉपिक इसमें नए लाएंगे जिससे हमें काफी वर्किंग प्रोसीजर का पता पड़ जाए। एक्चुअली मोस्टली जो प्रैक्टिकली होता क्या है उस चीज के लिए। तो गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन। यस यस यू कैन आस्क धीरज। सर मेरे को ये पूछना था कि जैसे कि हमने यहाँ से कंटेनर को स्टॉप करके भेज दिया, डॉक्यूमेंट हमने एग्जाम ये क्लियरेंस के लिए अप्लाई भी कर दिया, शिपिंग बिल फाइल कर दिया, जो शिपिंग बिल, अभी सर हमें पता कैसे चलेगा कि ये हमारा कंटेनर एग्जामिन में जाएगा या डायरेक्ट एग्जामिन नहीं होगा? ऐसा मतलब कभी कभी कस्टम वाला है तो वो ओपन एग्जामिन का ऑर्डर दे देते, कंटेनर को ओपन करवा देते हैं, जिसके कारण डिले हो जाता है शिपमेंट, जो वेसल में जाना होता है शेड्यूल होता है उससे बाद में जाता है। हाँ, तो वो सर पता कैसे चलता है कि ये एग्जामिन में जाने वाला है या नहीं जाने वाला, मतलब मार्क ओपन एग्जामिन? बिल्कुल राइट क्वेश्चन धीरज। एक्चुअली होता ऐसा है कि जो कस्टम में हमारे गुड्स जाते हैं, तो होता क्या है उसकी एग्जामिनेशन होगी या ना होगी ये डिपेंड करता है इंस्पेक्टर के ऊपर। ठीक है, उनके पास टाइम है या जो भी उनकी वर्किंग प्रोसीजर है उसके अकॉर्डिंग वो काम करते हैं। तो कंटेनर आपका खोला गया नहीं खोला गया इसकी श्योरिटी नहीं है, बट वो जब खोलते हैं तो उसपे लिखते हैं शिपिंग बिल पे कि कंटेनर फिजिकली ओपन, नहीं तो वो लिख देते हैं कि कंटेनर नॉट फिजिकली ओपन, ऐसा करके। तो यही है कि उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वहां का वर्किंग प्रोसीजर क्या है, बट ये है कि विदाउट कस्टम क्लियरेंस आपका गुड्स वहां से इंडिया की टेरिटरी को क्रॉस नहीं कर सकता। तो कस्टम में गया है तो मोस्टली कम से कम डॉक्यूमेंट तो आपके चेक होंगे ही होंगे, या फिजिकली कंटेनर भी चेक होगा, उसके सील नंबर चेक होगा, तो ये तो होना ही है, इतना तो होना ही है। वही सर, क्योंकि कभी कभी जैसे आपने बताया सेल्फ सीलिंग में थोड़ा सा भी मतलब व्हीकल नंबर या कंटेनर नंबर मिसमैच हो गया तो डायरेक्ट कस्टम वाले एग्जामिन का ही ओपन देते, वो एग्जामिन में डाल देते ओपन एग्जामिन में, तो वो कंटेनर खोलते बाद में डिले होता है, चार्ज लगते है उसके, जैसे कंटेनर का चार्ज हो गया लाइन, तो वो सब प्रॉब्लम होती है उसके लिए। बिल्कुल राइट राइट धीरज, आप बिल्कुल आप सही कह रहे हो। अगर ऐसी प्रॉब्लम आती है तो डेफिनेटली अगर हम डिटेल्स को सही नहीं देते तो फिर वो चेक करता है, क्योंकि उसको लगता है कि इसमें कुछ इश्यू हो सकता है, एग्जामिनेशन करता है, क्वेरी रेज करता है। उसके इसमें एज ए एक्सपोर्टर हमें वहाँ पे प्रेजेंट भी होना पड़ सकता है और सेम टाइम हमारा सीएचए भी उस प्रॉब्लम को सोल्व कर सकता है कुछ ले देके। ओके जी सर, तो एनी क्वेश्चन? तो आज का सेशन यहीं पे एंड करें फिर। जी सर, कल कल इसी टाइम पे मिलते हैं, स्टार्ट करेंगे हम। और जाना फिर कोई बात नहीं, तो डिस्कस करो भाई। जी सर, ओके।